गुरुभ्यो नमः संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च स्वागतम् अद्य वयं द्वादशकक्षायाः भास्वती इति पुस्तकस्य प्रथमं पाठं पठामः आदौ तावत् मङ्गलम् आचरामः तदनन्तरं पाठारम्भः भवेत् अस्तु तावत् ओ पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि अग्ने नय सुपथा राये अ॒स्मान् विश्वा॑नि देववयुनानि वि॒द्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम अभयं मित्रा दभयममित्रा दभयं दभयम् पुरोयः अभयं अभयम् दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु भद्रमिक्षन्तरिषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान हम कल्याणकारी पथ का अनुगमन करें जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा सदा कल्याणकारी पथ का अनुगमन करते हैं हम भी उसी प्रकार से सन्मार्ग का निरंतर अनुगमन करते रहें दूसरे पद्य में कहा गया है हे अग्निदेव हमें धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग में ले चलें आप संपूर्ण उत्तम मार्गों के ज्ञाता हैं आप हमें गलत कर्मों से कुटिल मार्ग से बचाएं। हम आपको विविध प्रकार से नमस्कार करते हैं तीसरे पद्य में कहा गया है मित्रों शत्रुओं तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनिर्दिष्टों से हमें किसी प्रकार का भय ना हो हमें दिन और रात्रि में निर्भयता की प्राप्ति हो अभय के लिए सभी दिशाएं हमारे लिए मित्रवत हों कल्याणकारी हों अर्थात हम सभी प्रकार से जीवन में निर्भय रहें अंतिम पद्य का अर्थ है सबके हित चिंतक आत्मज्ञानी ऋषि सृष्टि के आरंभ में तप और दीक्षादि नियमों का पालन करने लगे उसी से राष्ट्रीय भावना बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई है इसलिए ज्ञानी लोग उस राष्ट्र के समक्ष विनम्र बने अर्थात राष्ट्र की सेवा में संलग्न रहें इस प्रकार से हमने मंगलाचरण किया संप्रति भस्वती इस पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ते हैं प्रथम पाठ है अनुशासनम यह पाठ उपनिषद के शिक्षावल्ली से संग्रहित है छात्र को उपदेश के रूप में जीवन में क्या अनुशासन रखना है किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है ऐसी कुछ शिक्षाएं दी जाती थीं कुछ उपदेश दिए जाते थे आज हम उन्हीं अंशों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदम अनुच्चाचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत् सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत् विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतत् अनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवं, एवं चैतत् उपास्यम वेदम अनूच आचार्यो अन्तेवासी अनुशास्ति इसको हम पृथक पृथक करें वेदम अनुच्च अनुच्च का तात्पर्य है अनुपसर्ग पूर्वक वच धातु से उक्वाप प्रत्यय करेंगे अर्थ होगा अनुच्च बोल करके जब गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश होता था तो पूर्णकालीन आवासीय व्यवस्था होती थी और वहाँ रह करके वो संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करते थे तो जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी उसके लिए कह रहे हैं वेदम अनूच वेद जो पढ़ चुका है ऐसा वेदम अनूच्च आचार्य पद का अर्थ होता है अंतेवसती अंतेवासी अंते वसती अंतेवासी अर्थात समीप में रहने वाला गुरु के समीप में रहने वाला जो होगा वह अंतेवासी कहा जाता है और वह छात्र होता है पहला वाक्य है सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो वद यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है वद धातु का जीवन में सदा सर्वदा सत्य ही बोलो स्पीक द ट्रूथ आगे कहते हैं धर्मम चर जीवन में धर्म का आचरण करो धर्म को त्याग कर नहीं यहाँ पर भी चर धातु यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग है धर्मम चर अर्थात धर्म का आचरण करो अधर्म का नहीं अगला पद है स्वाध्यायान मा प्रमद स्वाध्याय से प्रमाद ना करो स्वाध्याय से प्रमाद नहीं कर रहा गुरुकुल के कार्यकाल में जब आवास विद्यालय में रहे उस समय तो हमने पढ़ाई की लेकिन विद्यालय से जाने के बाद भी यह अध्ययन जारी रहना चाहिए आगे कहते हैं आचार्याय प्रियम धनमाहित्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेद सीह आचार्याय प्रिय कुनम आहृत्य जो गुरुकुल थे वह गुरुकुल पोषित हुआ करते थे और उन गुरुकुलों की व्यवस्था जो वहाँ से पढ़कर छात्र निकलते थे क्योंकि निःशुल्क गुरुकुल थे तो वहाँ की व्यवस्था भी पढ़े लिखे हुए छात्रों के द्वारा चलाई जाती थी इसलिए यहाँ पे कहते हैं आचार्याय प्रियम धनम आहित्य गुरुकुल की सेवा के लिए धन भी देना है और आचार्याय प्रियम कुर्यात आचार्य का प्रिय संकल्प मन में रखना है आचार्य का प्रिय करने का प्रयास करना है प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेद सीह गुरुकुल से पढ़ करके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हम आजीवन ब्रह्मचारी ही रहें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके प्रजातंतु जो सृष्टि का यह क्रम है प्रजा का जो तंतु है एक धागा है वंश का वंश की जो परंपरा है उसे तोड़ना नहीं है उस वंश परंपरा को भी आगे बढ़ाना है प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेद सिंह व्यवच्छेद सिंह का तात्पर्य है तोड़ना नहीं है उसका विच्छेद नहीं करना है सत्या न प्रमदितव्यम सत्य से प्रमाद नहीं करना है उपसर्ग पूर्वक मद धातु से तब्यत प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा प्रमदितव्यम अर्थात सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए धर्मान न प्रमदितव्यम इसी प्रकार धर्म से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए कुशला न प्रमदितव्यम अर्थात कुशलता से प्रमाद नहीं करना चाहिए आलस्य नहीं करना चाहिए कुशलता पद का अर्थ है निपुणता अर्थात हमें निरंतर किसी न किसी विशेष गुण से युक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए निरंतर नई कल्पनाओं में संलग्न रहना चाहिए इसी तरह भूत्ययी न प्रमदितव्यम हमें भूति से प्रमाद नहीं करना चाहिए भूत्ययी अर्थात भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य हमें आईश्वर्य युक्त होना चाहिए ये शिक्षा सभी छात्रों को दी जा रही है कि हम निरंतर अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए क्या क्या, क्या करेंगे तो भूत्य न प्रमादितव्यम ऐश्वर्य सम्पन्नता के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए आगे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम स्वाध्याय और प्रवचन दोनों स्वाध्यायान्मा प्रमद पीछे कहे थे यहाँ कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है हमने गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त की जिस जिस विद्या का अध्ययन किया है उन विद्याओं का प्रवचन भी करना है लोगों को पढ़ाना भी है उससे प्रमाद नहीं करना प्रमाद पद का अर्थ आलस्य है उससे आलस्य नहीं करना आगे कहते हैं देव देवपितृकार्या्याभ्याम न प्रमोदितव्यम देवपितृकार्या्याभ्याम न देव कार्य और कार्य से प्रमाद नहीं करना देव कार्य अर्थात प्रतिदिन का जो हमारा नित्य कर्म है पूजन पाठ है वो हमें अपने जीवन में रखना चाहिए साथ ही साथ तर्पण आदि जो पितृकार्य हैं उन पितृकार्यों को भी संपन्न करते रहना चाहिए उसमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना जीवन में अनुसरणीय क्या है उसके लिए कहते हैं मातृ देवोभव अभी तक गुरुकुल में थे गुरु को देवता माना और गुरु से प्राप्त शिक्षा को अपने अंतकरण में धारण किए यहाँ से जाने के बाद अपनी माता में देव का भाव रखना है अर्थात भव माता देवता के समान है यह भाव सदा मन में विद्यमान हो इसी तरह पितृदेवो भव पिता देवता के समान हैं वह एक साक्षात देवता ही हैं ऐसा भाव सदा सर्वदा मन में रखना और कभी उनका अपमान नहीं करना आचार्य देवोभव आचार्य के प्रति भी वही भाव होना चाहिए अर्थात देवत्व का भाव आचार्य के प्रति भी सदा मन में विद्यमान रखना साथ ही साथ अतिथि देवोभव जो आगंतुक हैं अतिथि पद का अर्थ होता है जिसके आगमन की तिथि ज्ञात नहीं है ऐसा आगंतुक वो भी देवता के समान होता है उसका भी हमें आदर करना चाहिए उसे हम देवत्व के भाव से देखें आगे कहते हैं यानी अनवद्यानी कर्माणी तानि त्वया उपास्यानी, गुरुकुल में रह करके के पाँच वर्ष दस वर्ष का जीवन व्यतीत किया जो प्राचीन समय के गुरुकुल की व्यवस्था थी घर से जाकर के नहीं प्रारंभिक अव शिक्षा घर में होती थी और उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा गुरुकुलों में हुआ करती थी और जीवन में आचरणीय बिंदु जो हैं उन्हें कहते हैं यानी अनवद्यानी कर्माणी तानी त्वया उपासयानी नो इतराणी अर्थात जो अनिंदित कर्म हैं अनवद्यानिक कर्माणि अर्थात जो अनिंदित कर्म हैं निंदा रहित जो कर्म हैं जिन कर्मों को समाज स्वीकारता है समाज से स्वीकृत जो कार्य हैं तानि त्वया उपासयानी उन्हीं कार्यों को करना है नो इतराणी उससे इतर उससे भिन्न अन्य कार्यों को नहीं करना है तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में संपूर्ण जो छात्रों में ज्ञान का आधान होता था गुरुकुल जाने के पहले विद्यार्थी कोरे कागज के समान होता था गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी छात्र वैसा ही बनता था वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था घर से संचालित हो रही है घर से लोग पढ़ने जाते हैं और भी बहुत सारे संसाधन हो गए हैं जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं पहले ऐसा नहीं था पहले संपूर्ण शिक्षा का जो स्रोत था वह गुरुकुल होता था गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी वैसा ही छात्र निर्मित होता था वैसा ही उसका मनोभाव और मस्तिष्क बनता था इसके लिए ही कह रहे हैं कि समाज में जाना है तो समाज में जो निंदित कर्म हैं वो नहीं करना अनिंदित कर्म जो हैं वही सारे कार्य करना है आगे कहते हैं यानी अस्माकम सुचरितानी यानी अस्माकम त्वया उपास्यायानी नो इतराणी जो हमारे सुचरित हैं गुरुकुल में रहने के समय जितने समय तक वह गुरुकुल में रहा बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे भी होंगे जो अच्छे ना रहे हों जैसे यदि कहीं दंडाविधान हुआ हो या कोई ऐसी बात हुई हो जो छात्र के मन को अच्छी ना लगी हो आचार्य यह कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो हमारे जो सुचरित हैं हमारे जो गुण हैं उनको आप अपने जीवन में सर्वदा रखना और जो आपको लगा कि यह उचित नहीं था उन सुचरितों से इतर जो कर्म हैं उनको अपने जीवन में नहीं रखना उनको अपने जीवन में नहीं लाना इसी बात को कहते हैं यानी अस्माकम सुचरितानी जो हमारे सुचरित हैं सुवृत्त हैं तानि उपास्यानि, उनका तुम्हें उनकी उपासना करनी है उनको तुम्हें अपने जीवन में धारण करना है अन्य को नहीं करना आगे कहते हैं कर्म के विषय में कदाचित क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरह का अगर किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाए उसके लिए कहते हैं अथ यदि वृत्त वृत्तविचि सै ये तत्र त्राह्मणा समर्षि युक्ता अयुक्ता अलूक्षा यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते थाहा। अर्थात कर्मणि विचिकित्सा कर्म विचिकित्सा अथवा कर्मण विचिकित्सा कर्म विचिकित्सा कर्म संबंधी विचिकित्सा का तात्पर्य संदे है संदेह जहाँ पर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न हो सके पथ का बोध न हो पा रहा हो वहाँ पर क्या करना है उसके लिए बताते हैं वृत्त वृत्त से विचिकित्सा अर्थात चरित्र संबंधी अगर संदेह हो, होता है ऐसी कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जहाँ हम निर्णय कर पाने में असमर्थ हों ऐसी अवस्था में क्या करना है तो उसके लिए कहा ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण युक्ता अयुक्ता अलूक्षा, धर्म काम स्यु यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते अर्थात आपके क्षेत्र में जो सम्मर्षिण ब्राह्मण ज्ञानवान धैर्यवान और क्षमा युक्त सद असद विचार वाले जो ब्राह्मण हैं उनसे आप परामर्श कर सकते हैं और किससे परामर्श करना है तो कहते हैं युक्ता हा, आयुक्ता अलोक्षा जो युक्त हैं अर्थात विवेकशील हैं ज्ञान से युक्त हैं मेधा संपन्न हैं उनसे परामर्श करना अलोक्षा अर्थात लू अरूक्षा जो सरल और सहृदय हैं रुक्ष नहीं हैं रुक्ष का अर्थ होता है कठोर और अरुक्षा काठिन्यता से रहित जो हैं उनसे हम परामर्श कर सकते हैं आगे कहते हैं यथा ते तत्र तथा तत्र वर्ते अगर परामर्श देने के लिए वहाँ उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे तो हम इतिहास देखेंगे उसमें यथा तेतत्र वर्तेरन महापुरुषों ने जैसा आचरण किया है जैसा व्यवहार किया है वर्तेरन का तात्पर्य है वृतु धातु से विधिलिंग बहुवचन प्रथम पुरुष में वर्तेरन और मध्यम पुरुष एक वचन में इसी धातु का रूप होगा इसी लकार में वर्तेथा अर्थात जैसा महापुरुषों ने आचरण किया है जैसा असंदिग्ध लोगों ने आप्त पुरुषों ने आचरण किया है हमें वैसा आचरण करना चाहिए वैसा व्यवहार करना चाहिए आगे कहते हैं एश आदेश यही आदेश है यही हमारी आज्ञा है आज्ञा गरीयशी गुरु की आज्ञा अकाट्य है तो आपको यह पालन करना है एष उपदेश है। यही उपदेश भी है जीवन में आचरण करने के लिए ऐसा वेदोपनिषद यही वेद का ज्ञान अथवा वेद के ज्ञान का सार है अगर ये सारे कार्य करते हैं तो वेद पढ़ना सार्थक है हम जो पढ़े हैं जिस विद्या का अध्ययन किए हैं वो विद्या सार्थक है एतत् अनुशासनम यही अनुशासन है यही शिक्षा है एवं उपासितव्यम इस प्रकार की उपासना करना चाहिए इसका जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए जीवन में इसे लाना चाहिए और अंतिम पद्य कहते हैं अंतिम वाक्य कहते हैं एवं चैतत उपास्यम यही उपासना के योग्य भी है तुम्हारे द्वारा इसी की उपासना की जानी चाहिए इसी की अर्थात अभी तक जितना हमने बताया अभी तक हमने जो जो चीज़ें कही है इन सारी की सारी बातें जीवन में अक्षरशः पालन करना चाहिए और यही जीवन को उन्नति प्रदान करने वाला होगा यही वेद का संदेश है यही गुरु का आदेश है शब्दार्थ के अंतर्गत हम देख रहे हैं इस प्रकार का पुस्तक में दिया गया है हम एक एक पद के अर्थ को इसी प्रकार समझ सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं साथ ही साथ पुस्तक में दिए गए इन वाक्यों का अभ्यास भी करना चाहिए जो आचार्यो वासिनम संधि विच्छेद करेंगे आचार्य प्लस अंते वासिनम नीचे लंबी प्रक्रिया आपको दिख रही है नीचे लंबे वाक्यांश आपको दिख रहे हैं सबका अभ्यास करना है साथ ही साथ जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो रिक्त स्थान की पूर्ति हम देख रहे हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें इस प्रकार के जो निर्देश दिए गए हैं इसी तरह पूर्ण वाक्य न उत्तरत तो ये भी प्रश्न हम देख रहे हैं इन सब का जैसा अभी हमने पढ़ा उसके अनुसार ही उत्तर लिखना है साथ ही साथ हमें इससे प्राप्त शिक्षा का भी उल्लेख करना है जैसा कि हम देख रहे हैं अधो निर्दिष्ट पदा समान समानार्थक पदा कोष्ठकात् चित्वा लिखत हमें कोष्ठक से पदों को लेकर के लिखने का अभ्यास भी करना है साथ ही साथ विपरीतार्थक पदों को भी देखना है जो कि हम पढ़ रहे हैं सत्यम अलूक्षा धर्मम अश्रद्धया श्रद्धया अवद्यानी अधर्मम लोक्षा और असत्यम तो हमें इस प्रकार के अभ्यासों को करना है ये सारे के सारे अभ्यास विषयगत तथ्य के ज्ञान को विषयगत जो शिक्षा है उसे हमें समझने में मदद करेंगे और जब हम प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो यह ज्ञान स्थिर होता है पढ़ाया गया विषय मस्तिष्क में दीर्घकालीन बन जाता है दीर्घकाल तक स्थिर हो जाता है इसलिए हमें इन सबको पढ़ना है साथ ही साथ योग्यता विस्तार के क्रम में जो इससे संबंधित अन्य चीज़ें लिखी हैं उन्हें पढ़कर हम अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं